श्री शिवाय नमस्त्याम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में दोस्तों इस वीडियो में आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे ये उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं या फिर कोई और दिन चाहे तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं पर मुख्य रूप से अमावस्या तिथि और शनिवार के दिन का ये उपाय है अगर उन दिनों में आप कर लेंगे तो बहुत लाभ होता है आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर यह उपाय आपको करना है अगर कोई भी आपको परेशानी है दुख है कष्ट है या कोई भी मनोकामना के साथ आप ये उपाय करना चाहते हैं कि वो काम आपका पूरा हो जाए जैसे कि घर में कोई अक्सर बीमार रहता है या घर में धन संपदा की कमी नहीं है नौकरी नहीं लग रही है कोई मनोकामना चाहते हैं कि पूरी होनी शुरू हो जाए ऐसा कुछ है आपके उसमें तब आपको ये उपाय करना हुआ है अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किसी उद्देश्य के लिए आप चाहते हैं तो तो अगर आपको लगे तो एक लोटा जल आपको लेना है कोई बहुत ज़रूरी नहीं है एक लोटा जल ले लेना है और लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर सुबह चाहे, चाहे तो करें चाहे शाम चाहे तो शाम को उपाय करें वहाँ जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको जो भी आपकी पूजा अर्चना है जैसी वैसी ही आपको पहले पूजा पाठ कर लेना है उसके बाद शिवलिंग के पास से अगर कोई पुजारी जी वहां पर हैं तब आपको वहां से उनसे एक बेलपत्र या कोई भी एक चीज़ आपको उनसे ही मांग लेनी है कि वो आपको दे दें अगर पुजारी जी कोई वहां नहीं रहते हैं कोई पंडित जी नहीं रहते हैं तब आपको अपने हाथों से ही कोई भी एक चीज तो चाहे एक बेलपत्र या कोई फूल रखा हुआ है कोई भी एक चीज़ है वो अपने हाथों से उठाना है, महादेव से कहना है कि ये हम आपके इस ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए इस हमारे घर का ये सी सी समस्या है ये परेशानी है दूर हो जाए ऐसी कोई कामना के साथ जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं और वो सामान वहाँ से उठाना है और लेकर के आपको अपने घर आ जाना है घर पर आपको वहाँ पर दस दिन तक तो आपको वो अपने घर में संभाल करके कहीं रख देना है चाहे मंदिर में आप रख दें या कहीं भी संभाल के रख दें अपने घर के उसके बाद ग्यारहवें दिन बारहवें दिन नहीं ग्यारहवें दिन जब आप शुरू होता है तब आप आपको वो सामान उठाना है अगर आपने फूल लिया है या बेलपत्र जो भी उठाया था वो चीज़ लेनी है और ले करके आपको वापस चले जाना है भोले बाबा के उसी मंदिर में और वापस वो चीज़ वैसे ही आपको चढ़ा देनी है इन दिनों में आप देखेंगे ग्यारह दिनों में आपकी जो भी मनोकामना से आपने ये उपाय किया है वो धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो चुकी होती है अगर मंदिर दूर है शिवलिंग आपके उधर से तो आप किसी नाल नदी या तालाब सरोवर में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं वो उस पत्ते का फूल जो भी आपने लिया है बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए एक बार करके ज़रूर देखिएगा अमावस्या तिथि के दिन अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रमुख उपाय पर यह उपाय किस लिए आपको करना है अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है अक्सर बीमार हो जाता है लंबे समय से बीमार है तो बीमारी ठीक करने के लिए आपको ये करना है या दवाएं असर करना शुरू कर दें इसलिए और दूसरा अगर कोई व्यक्ति क्रोध बहुत करता है चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो गुस्सा बहुत आता है तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है तो दोनों में से किसी भी समस्याओं के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं आपको जैसे एक दीपक दिख रहा है स्क्रीन पर इस तरह से एक दीपक आपको लेना है और चौमुखी दीपक बनाना है बाती आपको ऐसे लगानी है क्रॉस लगानी है मतलब चार बाती नहीं आपको दो बाती लेनी है और क्रॉस करके दोनों बाती को लगाना है जिससे उसके दीपक के चार मुख बन जाए इस तरह से दीपक तैयार करना है और उसमें आपको घी नहीं डालना है बल्कि उसकी जगह पर आपको डालना है तिल का तेल आसानी से मिल जाता है पूजा पाठ के लिए सब घर में रखते हैं तो उसमें तिल का तेल डालना है और एक दीपक तैयार कर लेना है इसके बाद जिस भी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है या जो बीमार व्यक्ति है उसकी आपको सात बार इस तरह से उतारना है क्लॉक घुमाना है सर से लेकर के पैर तक जैसे हम नज़र उतारते हैं उसी तरह से सात बार इस दीपक से क्लॉक उसको अच्छे सात बार घुमा लेना है बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं गुस्से वाले जिसके लिए भी कर रहे हैं और लेकर के आपको आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर चले जाना है वहाँ पहुँच कर आपको क्या करना है सबसे पहले तो दीपक आपका चौमुखी दीपक जलाना है और कामना करनी है उस व्यक्ति का नाम बोलना है गोत्र बोलना है और उसकी बीमारी ठीक हो जाए उस पर दवाओं का असर होना शुरू हो जाए या फिर उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए क्रोध कम करने लगे ऐसी कामना करनी है और दीपक जला के प्रणाम करके श्री शिवाय नमस्त कहते हुए आपको वापस आ जाना है इससे क्या होगा आपके पित्र भी प्रसन्न होते हैं साथ ही साथ आप पर भोलेनाथ की कृपा भी बरसती है अगर पीपल का पेड़ आसपास नहीं नहीं कर सकते हैं तो ये उपाय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते जो मेन गेट होता है आपके बाहर बाहर का सबसे बाहर का सबसे पर ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपको जो भी जैसे ही बताया है वैसे ही नाम गोत्र बोल के अपनी कामना कहनी है बीमार व्यक्ति के लिए और अपने घर आ जाना है शाम के समय अगर उपाय करें तो अति लाभप्रद है अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर तीसरा उपाय है कोई इच्छा बहुत दिन से अधूरी है कोई मनोकामना चाहते हैं पूरी हो जाए पूरी नहीं हो रही है बहुत परेशान हो गए हैं तो अपनी मनोकामना इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है आपको दो पात्र में जल लेना है दो लोटा है, ये जरूरी नहीं है एक जैसा ही हो चाहे कोई तांबे का ले सकते हैं दो या फिर एक स्टील का एक तांबे का ले सकते हैं या फिर पीतल का ले सकते हैं मतलब दो लोटे होने चाहिए किसी भी चीज़ के एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है दोनों में आपको जल भर लेना है और साथ ही साथ लेना है एक कनेर का फूल आस अगर पीला वाला जो कनेर का फूल मिलता है वो आसान आपको मिल जाता है तो वो आप ले सकते हैं नहीं मिलता है तो खाली दो लोटा जल ले करके शिवलिंग के पास आपको चले जाना है और जो वहाँ पर चढ़ा हुआ कनेर का फूल रहता है उसे आप तब आप यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ें लेकर के आपको महादेव के मंदिर चले जाना है जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो अगर आप फूल अपने पास से ले गए हैं तो ठीक है नहीं तो आपको जो वहाँ पर चढ़ा हुआ है शिवलिंग पर फूल एक कनेर का फूल बस एक कनेर का फूल और कोई फूल नहीं सिर्फ और सिर्फ कनेर का फूल ही चाहिए वो उठाना है और उसको सबसे पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसके बाद जो दो लोटा जल आप लेकर के गए हैं अपनी कामना की हमारा ये काम पूरा हो जाए यह या हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए या काम हो जाए जो भी आपकी कामना है वो कामना कहना है उसके बाद अपने दोनों हाथों से एक साथ दोनों लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है वो गिरा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दोनों हाथ से एक एक करके नहीं एक साथ दोनों हाथों से आपको जल चढ़ा देना है छोटा सा आसान सा उपाय है करके जरूर देखिएगा अमावस्या तिथि के दिन क्योंकि कनेर का जो फूल होता है वो आपके सभी दुखों कष्टों परेशानियों को ले लेता है हरने के लिए होता है जो महादेव को समर्पित कर देते हैं आप अब कनेर के फूल के रूप में दोस्तों आपके अलग अलग समस्याओं से संबंधित उपाय इस वीडियो में बताए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवानम स्त्र या हर हर महादेव जरूर लिखें भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहे